Hello, good morning, Siwans. Good morning. What are you going to do today? Today I'm going to make my mum's tea. Okay, so what are you going to first take it out? The What cup. do you need? Cup. No? हेलो नमस्कार सलाम राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, बहुत ढेर सारा प्यार। और आज यहाँ पे शिवांश की टी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैंने आज उसको पहली बार चाय बनाना सिखाया है। और वो अब डेली जो है मेरे लिए चाय सुबह मॉर्निंग में जब तक उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं वो बनाता है। तो रेडी मतलब प्रोसेस शुरू कर देता है, वो करता है मेरे साथ लग के, अकेले नहीं करने देती हूँ, बट मेरे सुपरविज़न में मेरे साथ करता है। तो यहाँ बस इसी भावना से मैं उसे सिखा रही हूँ, कोई उसे काम कराने की भावना से नहीं, बट इसी भावना से कि जब हम अपनी बेटियों को सिखा सकते हैं तो हम अपने बेटों को क्यों नहीं सिखा सकते खाना बनाना। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि अरे खाना बनाना क्या बेटों का काम है। क्यों नहीं, खाना बनाना क्यों नहीं बेटों का काम है? क्या खाना वो नहीं खाते हैं? अगर वो खा सकते हैं तो वो बना क्यों नहीं सकते हैं? तो जाने जीवन में कब कहाँ कैसे जाना पड़े, कहाँ रहना पड़े, कैसे रहना पड़े, क्या जीवन में संघर्ष आए। तो यदि हमारी बेटियाँ सीख सकती हैं, हम तो उनको बचपन से सिखा देते हैं कि बेटा खाना बनाओ, लड़की जात हो नहीं तो ससुराल में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, तो ये सब तरह की बातें कह के, और उनको तो हम सिखाते हैं पर हम अपने बेटों को नहीं कहते कुछ कि आपको भी खाना बनाना चाहिए। उल्टा ये कह देते हैं कि अरे बेटे क्या खाना बनाएंगे, बेटे खाना बनाना बेटों का काम नहीं है। जीवन में उनको कहाँ जाना पड़ता है, पढ़ाई के पर्पस से, नौकरी के पर्पस से, पता नहीं कहाँ रोज़ी रोटी ले जाए। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। लाइक मेरे हस्बैंड भी चाय वगैरह तो बना लेते हैं, नूडल्स बना लेते हैं, बट प्रॉपर वो इंडियन खाना नहीं बना पाते हैं। लेकिन वो घर में मेरे साथ जो हेल्प मेरी करते हैं, मेरे साथ वो क्लीनिंग के कभी वो कर देते हैं, कभी मैं करती हूँ, ज़्यादातर वही करते हैं क्लीनिंग। कपड़ा वगैरह होता है वो प्रेस कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपका पार्टनर आपके साथ मिलके कर देता है, आपका हेल्प कर देता है, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खाना बनाकर मुझे खिलाएं तो ही मैं खुश रहूँगी और तो ही उनके अंदर मेरे लिए प्यार है। तो बस उसी भावना के साथ कि इसको भी आना चाहिए। और प्रियंका भी 9 साल की थी उस समय मैंने उसको चाय बनाना सिखाया था सबसे पहले। उसके बाद आज वो चाय भी बना लेती है, राइस भी बना लेती है, रोटी भी थोड़ा थोड़ा बेल लेती है। अभी पूरा मैं उसको कुछ करने नहीं देती हूँ अकेले, लेकिन वो कर लेती है, सैलड काट लेती है, सब्जियाँ कट कर देती है, तो ऐसे वो करना सीख रही है। उसके बाद मैंने कहा चाय छान सकते हो, तो बोला नहीं मैं छानूंगा नहीं मम्मा, पकड़ लूंगा। तो बस उसने थोड़ा सा हाथ लगा दिया, बट मैंने उसको शाबाशी दे दिया, वो हैप्पी हो गया। मैं और बस धीरे धीरे वो इसी तरीके से सीखेगा, क्यों नहीं सीखेगा। हमारे जो है हम, मैं तो मुझे तो बचपन से मेरी दादी कहती थी कि अरे खाना नहीं बनाना आएगा भले मत बनाओ मेरे साथ, मेरे पास रह के, लेकिन खाना बनाना सीखना चाहिए। लड़की जात हो, कल को शादी हो जाएगी तो ससुईया कहेगी कि हाँ लो कुछ सिखाया ही नहीं ददिया ने, ऐसे बोलती थी वो। तो ये सब तो पुराने ज़माने की बातें हैं, बट मैं उस भावना से नहीं, लेकिन मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि आना चाहिए। कब कल को किस किस किसी अपने ही घर में अपनी ही वाइफ का उसको हेल्प करना हो तो कैसे करेगा जब उसे नहीं आएगा। तो बस उसी भावना के साथ उसको थोड़ा सा आज मैंने सिखाया है। और अभी वो जब तक छुट्टियां चल रही हैं वो मेरे साथ लग लग के अभी हूवरिंग भी करता है, क्लीनिंग भी करता है थोड़ा थोड़ा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा छोटा सा दे दो आप बच्चों को, और उनको उनके साथ लगे रहो, तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो कि आप टाइटी अप क्यों नहीं कर सकते हो भाई, आप खेल सकते हो, आप कूड़ा कर सकते हो, तो आप टाइटी अप क्यों नहीं कर सकते हो। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा उसको सिखाने के लिए। उसके बाद रात में कपड़े लगा दिए थे, कपड़े हो गए हैं अभी। यहाँ मॉर्निंग का, सुबह का थोड़ा सा ठंडक है, लेकिन अभी दोपहर में ये
सूख जाएंगे, क्योंकि आज 18 का टेम्परेचर है, फिर 19, 20 ऐसे टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो इस हफ्ते गर्मी पड़ेगी, वीकेंड अच्छा है। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं, शावर वगैरह ले चुकी हूँ, चाय वगैरह हो चुका है, और बस यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी, अभी ये दोपहर तक सूख जाएंगे। तो ये इतना तो मॉर्निंग का जॉब डन हो गया है। उसके बाद फिर प्रियंका को मैंने तेल ऑयलिंग करना था आज बालों में, तो वो थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ यहीं बैठ कर, जब थोड़ा सा धूप अच्छी हो गई तो हम भी वहीं बिछा कर हम लोग भी बैठ गए, और हमने उसके बालों में ऑयलिंग कर दिया है। और आजकल उसका सेट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, मई में होगा, तो वही वो सेट्स की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये वो हाई स्कूल में आने वाली है ना, सेकेंडरी स्कूल में जाने वाली है प्राइमरी से, तो थोड़ा थोड़ा सा उसका टफ होने वाला है पढ़ाई, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बच्चे के साथ। और बस यहाँ पे ऑयलिंग कर दूँगी, छुट्टियाँ तो एक बना दूँगी उसको अच्छे से। अब वैसे तो बच्चे जब स्कूल रहता है तो ये चली जाती है, वरना तो हफ्ते में दो बार तो ऑयलिंग होना ही चाहिए, तो एक बार तो मैं करती ही करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे में नहीं करती हूँ, लेकिन वीकेंड पे कर देती हूँ। अगर सैटरडे को कर दिया तो संडे को इसे बाल धुलना होता है, तो मैं सैटरडे को कर देती हूँ, या फ्राइडे की नाइट में कर देती हूँ। तो सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे दो दिन इसका रहता है, और उसके बाद संडे को बाल धुल देती है। मैं तुरंत नहीं कहती कि तुरंत बाल धुल दो, क्योंकि फिर तेल लगाने से मेरे हिसाब से भाई मुझे नहीं लगता कि बाल में एक आध घंटे के बाद फिर उसको ऑयलिंग करने के बाद आपको धुल लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अच्छे पोषण के लिए बाल में लगा रहने देना चाहिए। वैसे भी प्रियंका के बाल बहुत पतले हो रखे हैं, और मैं ये घर में ही तेल बनाई हूँ, होम रेमेडी है ये, तो और ऑलिव ऑयल से बनाया है मैंने, और बस इसी को लगा के उसको थोड़ा सा चोटी कर दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल बना लिया है, और साथ के साथ मैंने सब्जी छौंक दिया है। ये सब्जी मैंने जुकीनी जो कोजेक होता है उसकी बनाई है, और कोजेक और पनीर की सब्जी है, बहुत अच्छी होती है। मुझे डाइजेस्टिनल डायबिटीज़ हो गया था, तो मैं ऐसे ही बना के रख लेती थी और खा लेती थी जब भूख लगता था, तो अच्छा होता है ये, और काफ़ी टेस्टी मैंने घी में बनाया था इसको। ये लौकी के साथ भी बनाया जाता है, और तरोई इंडिया में आता है तो उसमें भी मिला के बना सकते हैं आप, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अगर ऐसे कभी ना बनाया हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।
बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। फिर मैं यहाँ फुलके सेक लूँगी, रोटियाँ बना दूँगी, और हस्बैंड का जाने का टाइम भी हो गया है। ये थर्सडे का ब्लॉग है, तो आज उनका लास्ट डे है, लॉन्ग बैंक हॉलीडे होने वाला है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, अभी इतने दिन छुट्टी होने वाली है, अब वो सीधे जाएंगे ट्यूसडे में, ट्यूसडे को जाएंगे, फिर बच्चे उसी दिन स्कूल भी जाएंगे। यस, तो ये लॉन्ग लॉन्ग हॉलीडे है, लॉन्ग बैंक हॉलीडे पड़ेगा। और ये गुड फ्राइडे का छुट्टी होता है यहाँ पे, ईस्टर हॉलीडे भी है। और फिर मैंने चटनी पीस लिया है, ये कोकोनट की चटनी है, कोकोनट और धनिया की चटनी, और हस्बैंड को खाना दे दिया है। उसके बाद फिर उनका टिफ़िन भी मैंने निकाल के रख दिया है, और बस उसके बाद वो जॉब पे चले जाएंगे। उसके बाद में जो अपना क्लीनिंग वगैरह है वो सब मैं अपना निपटा कर सबका किचन का काम करके, फिर मैंने बीच का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, और क्योंकि बेबी फिर उठ जाता है ना, तो उसके साथ भी बिजी, एक हो एक बेबी हो तो आप किसी तरीके से मैनेज कर लेते हो, दो बेबी के साथ फिर लेकर आपको बैठना ही पड़ता है, और लेकर मैं घूम तो सकती नहीं हूँ। फिर उसके बाद ये जो नारियल हमने चढ़ाया था 9 दिन नवरात्रि में एक माता रानी को, वो नारियल और एक जो हम कन्या खिलाते हैं तो हम कन्या को देते हैं, तो कन्या हमें वापस प्रसाद के रूप में दे देती हैं, तो वो नारियल, दो नारियल थे ये, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसको मैं एक एयर टाइट पॉलीथीन में, मैं इसको जिप लॉक बैग है ये, इसी में भर के और फ्रीज़र में डाल दूँगी, कभी भी मुझे चटनी वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़े तो मुझे नारियल ढूँढने ना जाना पड़े इस तरीके वाला, और मैं बस थोड़ी देर के लिए निकाल के उसको रख दूँगी, वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा और मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो यस, यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया है बैग को और इसको रख दिया है। ओके, फिर आता है, मैं थोड़ा ज़्यादा गार्लिक लेकर आ गई थी, तो लहसुन मैंने छील लिया है, और लहसुन को एक एयर टाइट जार में मैं भर के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से रखती हूँ, चाहिए आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के और इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं फ्रिज में डाल के, और जब आपको ज़रूरत हो तब आपने एक टुकड़ा निकाला और डाल दिया, बट मैं नहीं रखती हूँ, मैं इसी तरीके से रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है बस निकाला, काटा या उसको कूटा, और सब्जी में, दाल में, जहाँ भी डालना है आप यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से पहले से प्लानिंग करके रखने में इजी जॉब हो जाता है, शॉर्टकट हो जाता है, फैमिली में जब आप रहते हो और कई जॉब एक साथ करना होता है तो मल्टीटास्किंग में ये हेल्प होता है। उसके बाद मैंने बीच का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, ये शाम के डिनर का टाइम है, तो बच्चों को मैं डिनर दे रही हूँ बना के, उनको पराठा सब्जी दे दिया है, किचन क्लीन कर दिया है, यहाँ पे मैं लाइट ऑफ कर दूँगी, बस आज का मेरा जॉब डन हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने सब कर्टन वगैरह क्लोज कर दिए हैं, बर्तन को डिशवॉशर में लगा दिया है। उसके बाद मैंने रामकृष्ण को मसाज कर दिया है और उनको सुला दिया है। लिविंग रूम में भी मैं लाइट वगैरह क्लोज कर दूंगी, सारे मतलब कर्टन्स क्लोज कर दूंगी। भगवान के मंदिर का भी मैं लाइट नहीं ऑफ करती हूँ क्योंकि मैं उनको टच नहीं करती हूँ इस टाइम में, मैं जब नहाती हूँ सुबह उसी समय उनको टच करती हूँ, उसके बाद मैं टच नहीं करती भगवान को, बस दूर से उनको प्रणाम कर लूँगी, उनको शुक्रिया बोल दूँगी कि आज जो हमारे जीवन का एक दिन गया और सुकून से अच्छा भी था, उसके लिए उनको थैंक यू, और नेक्स्ट डे आने वाला कल नया सवेरा हमारे जीवन में फिर से आए, नई सुबह, नए ऊर्जा के साथ हम फिर से उठें।
तो बस यहाँ पे कर्टन सारे क्लोज कर दिए हैं, लाइट्स क्लोज कर दूंगी, जो हमारा फाउंटेन है गणपति जी का वो भी क्लोज कर दूंगी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।